हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है द ब्लैक स्पॉट। ये स्टोरी लिखी है आर एल स्टीवनसन ने। अपनी ट्रेजल आइलैंड नॉवल का ये थर्ड चैप्टर है। बेसिकली इस कहानी में हम तीन मेन कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहला कैरेक्टर है जिम हॉकिंस का। फ्रेंड्स, जिम हॉकिंस एक लड़का है 13 साल की उम्र का। वो अपने माता पिता के साथ रहता है ब्रिस्टल इंग्लैंड में, और उसका घर एक सराय है या फिर हम उसको होटल भी कह सकते हैं। तो इनको हम सराय या होटल कहते हैं या फिर रैन बसेरा भी कह सकते हैं। फ्रेंड्स, दूसरा हमारा मेन कैरेक्टर है कैप्टन बिली का, जो कि एक ओल्ड सीमैन है। सीमैन को हम नाविक कहते हैं और वो जिम हॉकिंस के घर में ही ठहरा होता है। फ्रेंड्स, थर्ड कैरेक्टर है हमारा प्यू नाम का, जो कि एक ब्लाइंड बैगर है और पायरेट भी है। पायरेट को हम समुद्री डाकू कहते हैं। ये समुद्री डाकू हमारा कैप्टन बिली भी उसी बिरादरी का है। ठीक है, तो पियू को हम जो है मौत का फरिश्ता भी कहते हैं, क्योंकि नॉवल में इसी की वजह से काफी पायरेट्स की डेथ भी हुई थी। तो चलिए अब आगे इस स्टोरी की समरी स्टार्ट करते हैं। गाइस, स्टोरी स्टार्ट होती है जिम हॉकिंस के फादर की डेथ से, जिस वजह से जिम हॉकिंस काफी सदमे में होता है। उसके फादर का फ्यूनरल चल रहा होता है और आसपास के पड़ोसी आते रहते हैं। फादर के फ्यूनरल में बिजी होने की वजह से वो भूल ही जाता है कि उसे कैप्टन बिली का भी ध्यान रखना है। जिम हॉकिंस कैप्टन बिली से काफी डरता था। अब अगले ही दिन बिली नीचे आकर अपना खाना खाता है। वैसे तो वो कम ही खाता था। उसका एक शौक था गाना गाने का। कोई भी उसे गाना गाते वक्त डिस्टर्ब नहीं कर सकता था। वो ज्यादातर बुरे समुद्री गाने गाता था। दोस्तों, कैप्टन बिली काफी वीक हो गया था, क्योंकि उसके दिमाग की नस फटने की वजह से उसे एक बीमारी हो गई थी। जिम उसकी सेहत के लिए काफी परेशान रहता था। कैप्टन बिली अपना टाइम पास करने के लिए सीढ़ियों के चक्कर काटता रहता था, क्योंकि उसे कुछ और काम तो था ही नहीं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बीमार रहता था। दोस्तों, जिम कहता था कि कैप्टन बिल बहुत ही सनकी किस्म का आदमी था। वो बात बात पर अपने तलवार निकाल लेता था और हमेशा उसे अपने सामने ही रखता था। वो हमेशा ही अपने ही ख्यालों में रहता था और दूसरों से उसे कोई मतलब नहीं था। एक दिन तो जिम बिल्कुल सरप्राइज रह गया था, जब कैप्टन बिली ने अपने जवानी के गाना शुरू कर दिया। सो अगले दिन जिम अपने घर के बाहर खड़ा होता है। लगभग 3 बजे का टाइम होता है। वो बहुत परेशान होता है, क्योंकि उसे अपने फादर की मौत की याद आ रही थी। दोस्तों, अब यहाँ एंट्री होती है हमारे तीसरे कैरेक्टर की, जो कि एक ब्लाइंड बैगर है जिसका नाम प्यू है। उसने अपने आंख आंख पे हरे कपड़े से ढकी हुई थी और वो बहुत वीक होता है। वो अपना इंट्रोडक्शन कहता है कि उसे अपनी आंखें अपने देश के लिए कुर्बान कर दी, जो कि था इंग्लैंड। जिम उससे कहता है कि इस वक्त आप एडमिरल बेनबो ब्लैक हिल कोव में हैं। प्यू जिम से कहता है, क्या आप मुझे अंदर ले जा सकते हैं? यही बात कहकर प्यू जिम का हाथ बहुत टाइट पकड़ लेता है और उसे अंदर जाने की जिद करता है। अब जिम के लाख मना करने के बाद भी वो कहता है कि मुझे कैप्टन बिल के पास ले चलो, वरना तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। अंत में हार मानकर जिम प्यू को कैप्टन बिल के कमरे में ले जाता है। प्यू को देखने के बाद कैप्टन बिल के होश उड़ जाते हैं और वो उसे घूर रहा होता है। इतने में ही प्यू बिल से कहता है, देखो, मैं देख तो नहीं सकता, पर एक उंगली भी हिलती है तो मुझे पता चल जाता है, तो हिलना मत। आगे फिर प्यू जिम से कहता है कि बिल का लेफ्ट हैंड पकड़ो और मेरे राइट हैंड के पास लाओ। जिम उसकी बात मान लेता है और देखता है कि प्यू ने उसे कुछ लिफाफा सा दिया है। वो लिफाफा कुछ और नहीं बल्कि ब्लैक स्पॉट होता है। ब्लैक स्पॉट देखकर प्यू वहां से बहुत आसानी से निकल जाता है। यह देखकर जिम के होश उड़ जाते हैं कि एक ब्लाइंड आदमी आसानी से कमरे से कैसे निकल गया। दोस्तों, आगे फिर कैप्टन बिल वो ब्लैक स्पॉट को देख रहा होता है। ब्लैक स्पॉट का मतलब है पायरेट्स की दुनिया में कि मौत आ गई है आपकी, आपको अब मरना होगा। और इस कहानी में दोस्तों इस ब्लैक स्पॉट का बहुत सिग्निफिकेंस है। ब्लैक स्पॉट के दूसरी तरफ 10 बजे लिखा होता है। तो फिर कैप्टन बिल कहता है कि मेरे पास सिर्फ 6 घंटे हैं।
यह कहकर वो अपने बिस्तर से उठ जाता है और यहां वहां चलने लगता है। इसी बीच कैप्टन बिली अपने मुंह के बल गिरता है और वही उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों यह बात जानकर जिम बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि ये उसने अपनी दूसरी मौत होते हुए देखी है अपनी आंखों के सामने, जबकि पहली अभी वो भुला भी नहीं पाया था। तो दोस्तों यहीं पे इस कहानी का एंड हो जाता है। कैप्टन बिली की मौत हो जाती है क्योंकि व्यू उसको वो ब्लैक स्पॉट थमा देता है, और ब्लैक स्पॉट का मतलब है मौत। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।